टेंथ इंग्लिश का लेसन नंबर सेवन पढ़ने वाले हैं हम लिटल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर यूनिट नंबर सेवन की आज एक्सरसाइज और इसकी ऑब्जेक्टिव होगी जो एम वगैरह पेपर में आते हैं तो आइए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं पेज नंबर एटी टू ग्लोसरी कैरियर पेशा आ जॉब और सीरीज ऑफ रिलेटेड जॉब डेट यू डू सरकमस्टांसिस हालात इन्वयमेंटल कंडीशंस हो इवेंट, कॉन्टेस्ट मुकाबला आ कम्पिटिशन इतना भी काफ़ी है एक्सल आगे बढ़ना बी बेटर दैन मोटिवेशन तहरीक या तरवीब इंस्पायरेशन पार्टिसपेंट शामिल या शरीकारू टेक्स पार्ट इन समयटी तरजीह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नीचे हमारे पास गिफ द मीनिंग ऑफ द ये वर्ड्स मीनिंग है ये नहीं पेपर में आते स्टूडेंट्स उर्दू मीनिंग्स नंबर बी वाला ये वाला पार्ट भी लेसन में नहीं आता आपको नेक्स्ट पेज नंबर एटी थ्री ये पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना है ये इंग्लिश एक रीडिंग में हम पहले कर चुके हैं नीचे आ जाए इसके एमसी क्यूज चूज दस ये वर्ड अंडरलाइन अ लॉन्ग बम्पी राइड ये अंडरलाइन मीनिंग वर्ड का जो मीनिंग हमें ढूंढना है वो है बी ऑप्शन हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम नंबर टू अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय डैश इसका है बी ऑप्शन पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज हिज एक्टिविटीजॉब जॉब इन द प्रीसीडिंग टू हिम डैश ए ऑप्शन गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर फोर हैज बिकम मोर डैश यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल फाइव दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम सी सक्सेसफुल क्वेश्चन आंसर ये जो है इसके लक्सेस पहले हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आ जाएं पेज नंबर एटी ग्रामर पोर्शन प्रोनाउंस गैरम इसमाय जमीर जैसे एग्जांपल है हमारे पास द लास्ट कपल ऑफ ईयर बीन लॉन्ग बम्पी राइड मी एज दी वन ऑफ माई एज ये एवरी वन जो अंडरलाइन वर्ड है ये ग्रामीटिकली इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है तो ये नीचे जो नाइन सेंटेंसेज हैं इनमें जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उसको अंडरलाइन करना हमें इसकी प्रैक्टिस है नंबर वन एवरीबॉडी ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है नंबर टू सेंटेंस में एनी बॉडी नंबर थर्ड में वन नंबर फोर में नोबडी, नंबर फाइव फ्यू सिक्स मैनी नंबर सेवन में सम नंबर एट समबडी, बॉडी नाइन में है एनीथिंग ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स दीज आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस नेक्स्ट आ जाए बी ऑप्शन में टिक द वर्ब विच एग्रीज विद इंडेफिनेट प्रोनाउन ये इंडिया प्रोनाउन के मुताबिक जो इसका वर्ब है वर्ब है उसको हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से ये जो द फैमिली मेंबर्स हैज़ वन वोट नंबर टू वन ऑफ द बॉयज ईड्स लड़कों में से एक एक लड़के की बात हो रही है ईड्स पिज्जा एवरी वीक थर्ड बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट फोर अफ्यू ऑफ द स्टाफ वर गोन गे फाइव ऑल ऑफ द एनिमल्स रन वेन दे आर स्क्य

इस फार्मूले के मुताबिक हमें जो है ना हमने इसकी फिलिंग करनी है नंबर वन सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड इन कराची नंबर टू आई हैव स्पोकन थर्ड फॉर्म चाइनीज फॉर ट्वेंटी इयर्स थ्री हैज़ आलिया फलोन इन एन एरोप्लेन बिफोर फोर शान हैज़ नॉट गोन टू लंच येट फाइव आवर क्लास हैज़ टेकन आ फील्ड ट्रिप थ्री टाइम्स दिस ईयर नंबर सिक्स वेयर हैव दे मूव टू नंबर सेवन जवेरिया हैज़ आस्क दैट क्वेश्चन फोर टाइम्स टूडे नेक्स्ट इसमें जो ऑल कम्यूनिकेशन हैं इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं नेक्स्ट पेज नंबर एटी सेवन है इसमें से पेपर में कुछ चीज़ नहीं आती एटी एट एटी नाइन इन पे ये दोनों पेजे क्रॉस हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर नाइन्टी ये भी क्रॉस है इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पेपर में हमें ऑब्जेक्टिव में आती हो जो आज के यूनिट का ऑब्जेक्टिव पेपर था वो मैंने आपको करवा दिया जिसमें मेन चीज़ें हैं तो आज के लेक्चर का जो है वो अख्ताम होता है आज स्टूडेंट्स तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा हमें अपनी खास दुआ में याद रखिएगा ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़